नमस्कार, काजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी पांच खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। MJRP पब्लिक स्कूल जगदीशपुरम गाजीपुर के सभागार में मंगलवार को विद्यालय की संस्थापिका सदस्य एवं जय मां धनौती मेमोरियल ट्रस्ट अलावलपुर की पूर्व कोषाध्यक्ष स्वर्गीय बसंती देवी की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए जय मां धनौती मेमोरियल ट्रस्ट एवं MJRP पब्लिक स्कूल के संस्थापक व पूर्व सांसद जगदीश सिंह कुशवाहा ने कहा कि वो साहसी एवं निर्भीक महिला होने के साथ साथ गरीबों की हमदर्द भी थी। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुशवाहा, सह प्रबंधक संध्या कुशवाहा, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुदर्शन सिंह कुशवाहा, रामराज कुशवाहा, बाढ़ू कुशवाहा, हरिनाथ कुशवाहा, केशरी यादव, कमलेश यादव, गोपाल यादव, अरुण श्रीवास्तव, ओम प्रकाश मौर्य, मोहन कुशवाहा, गुलाब कुशवाहा, सुभाष कुशवाहा, सदानंद आदि शामिल थे। गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन में इंद्रासन यादव को दोबारा कोषाध्यक्ष चुने जाने पर दिलदार नगर में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अंग वस्त्र और डायरी पेन देकर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि ये क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि पत्रकार ग्रुप ने अपना विश्वास और प्यार देकर पत्रकार इंद्रासन यादव को दोबारा कोषाध्यक्ष चुनकर क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान श्रीराम यादव, पत्रकार शैलेंद्र चौधरी, उमेश वर्मा, मिथिलेश यादव, अनिल यादव, लक्ष्मण शर्मा, अजीत गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी व मुहर्रम को लॉकडाउन में शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन गंभीर है। थानों पर शांति समिति की बैठक कर लोगों को पर्व मनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देश पर जिले में सुबह से लेकर रात तक PRB वाहन समेत 112 हुटर बजाते हुए दौड़ रही थी। इन वाहनों से लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व को मनाने की अपील की जा रही है। मुहर्रम पर किसी प्रकार का जुलूस न निकालने का आदेश दिया जा रहा है। हिदायत दी जा रही है कि फरमान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर के सेवराई तहसील मुख्यालय के भदौरा बस स्टैंड के पास मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे लोगों के बीच तब अफरा तफरी मच गई जब एक कंटेनर हाई टेंशन तार से सट गया। लोगों का शोर सुन भयभीत चालक और खलासी कूदकर भाग खड़े हुए। हुआ यूं कि बिहार प्रांत की तरफ जा रहा कंटेनर भदौरा बस स्टैंड के पास काफी नीचे से गुजरे हाई टेंशन तार में सट गया। ये संयोग ही रहा कि उस वक्त बिजली नहीं थी, वरना कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। विभाग द्वारा दौड़ाए गए तार पूरी तरह से जर्जर होकर काफी नीचे लटक रहे हैं। शायद कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही विभाग जर्जर तारों को बदलेगा। बदहाल विद्युत आपूर्ति से त्रस्त गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सैकड़ों लोगों ने मंगलवार की सुबह स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ सीतापट्टी विद्युत उपकेंद्र पर विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता अभिषेक चौहान से मोबाइल से बातचीत हुई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से दे पाना बहुत कठिन है। इस पर नाराज लोग उपकेंद्र पर दरी बिछाकर बैठ गए। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह ने कहा कि बिजली के आने जाने का कोई भरोसा नहीं रह गया है। 24 घंटे में सिर्फ 4 से 6 घंटे ही लोगों को बिजली के दर्शन हो रहे हैं। इससे किसानों के साथ ही अन्य लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बार बार अधिकारियों को अवगत कराने पर भी वह आपूर्ति में सुधार को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने वालों में दुर्गेश सिंह सोनू, अमितेश मिश्रा, पंचदेव सिंह, अविनाश सिंह सोनू, गोविंद चौधरी, नीलेश दुबे, हवलदार चौधरी, मनीष राय, नित्यानंद पांडे, धीरज बाबा, राजू सिंह, मुनेर सिंह, राजेश निषाद, कुलशन कुमार, सुरेंद्र मोहन, शिवजी सिंह, संतोष दुबे, प्रेमचंद साहनी, शिव बचन बिंद, पुनीत सिंह, अजय सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।